हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और आप देखना शुरू कर चुके हैं विक्की ब्लॉग्स एंड ट्रिप्स। तो आपने मेन एंट्रेंस से समझ लिया होगा ये कौन सा रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, आज हमारी जर्नी होने वाली है हरिद्वार से लेके बरेली तक, ट्रेन नंबर 03010। जी हाँ दोस्तों, इस ट्रेन में मैं काफ़ी टाइम पहले जर्नी किया था, लेकिन अब दोबारा से मैंने सोचा इस ट्रेन को एक्सप्लोर किया जाए। तो दोस्तों देखिए, हरिद्वार रेलवे स्टेशन का माहौल एकदम बढ़िया फैंटास्टिक था। जैसे ही मैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन के अंदर गया और मैंने वहां का माहौल देखा, सुपर। देखिए दोस्तों, क्या खुशनुमा माहौल। पैंडेमिक नाम की कोई चीज़ भी थी, ऐसा लगता नहीं कि अब ऐसा कि कोई इतना भयानक पैंडेमिक आया था। फिलहाल दोस्तों आप देखिए, शानदार माहौल था हरिद्वार रेलवे स्टेशन का, और अभी ट्रेन आने में थोड़ा समय था, तो मैंने सोचा थोड़ा हरिद्वार रेलवे स्टेशन एक्सप्लोर किया जाए और मैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर घूमने लगा। दोस्तों, अभी जबकि ट्रेन आने में टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बाहर घूम लिया जाए, क्योंकि हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर भी बहुत शानदार माहौल था। मैं बाहर चौराहे पर आया और ये शिव जी की मूर्ति देख के तो मंत्रमुग्ध ही हो गया। शानदार ये शिव जी की मूर्ति इस चौराहे पर, बड़े बड़े होटल्स इमारतों वाले। दोस्तों, यहाँ पर लोग अपने पिक्स क्लिक कर रहे थे, और क्यों ना करें, शानदार दृश्य था ये वाला दृश्य। तो दोस्तों, बाहर भी खुशनुमा माहौल था रेलवे स्टेशन के बाहर, और काफ़ी अच्छा माहौल था, और साइड में थे स्टॉल फास्ट फूड के। तो दोस्तों, जब आप वो फास्ट फूड के स्टॉल देखते हैं ना, तो कुछ खाने का मन करता है। तो जब फास्ट फूड के मैंने ये स्टॉल्स देखे, तो मैंने भी मोमोस खाने का ट्राई करने का सोचा, और मैंने हाफ प्लेट्स मोमोस ऑर्डर दिए जो कि 30 रुपीज़ के थे। दोस्तों, थोड़ी देर में मोमोस थे तैयार, अब बारी है इनको टेस्ट करने की। दोस्तों, मोमोज खाने के बाद मैं वापस रेलवे स्टेशन लौटा, क्योंकि अब ट्रेन में ज़्यादा टाइम बचा नहीं था। लेकिन आप पैसेंजर्स की मात्रा देखिए, क्वांटिटी देखिए, कितने ढेर सारे पैसेंजर्स हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर। जस्ट हैव अ लुक एट दिस, ये देखिए। तो इससे लग रहा है कि कोई पैंडेमिक नाम की कोई चीज़ थी नहीं। फिलहाल हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, मास्क पहनना है, और अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लेना है। तो आइए चलते हैं, हम एंट्रेंस करते हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन के अंदर। दोस्तों, स्टेशन के अंदर पहुंचने के बाद साफ़ सफाई तो देखते ही बनती थी, लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, हम लोगों का भी बहुत कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है, तभी हम साफ़ सफाई में रह सकेंगे। फ़िलहाल अभी हम रेलवे स्टेशन के अंदर आ चुके थे, और रेलवे स्टेशन के अंदर भी पैसेंजर्स की जो मात्रा थी, पैसेंजर्स बहुत ढेर सारे थे, काफ़ी भीड़ थी। एस्केलेटर पर बच्चे खेल रहे थे, और एस्केलेटर के जस्ट बगल में थी इंडियन रेलवेज़ की कैंटीन, जिससे मैंने एक पैटीज और एक कॉफ़ी ली, और मैंने ट्राई करने के लिए सोचा।
दोस्तों, अपनी कॉफ़ी और पैटीज ख़त्म करने के बाद मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर देहरादून अमृतसर ट्रेन आकर लग चुकी थी। जस्ट इसके बाद हमारी ट्रेन आनी बाकी थी। ये ट्रेन अमृतसर और देहरादून के बीच ऑपरेट होती है। तो दोस्तों, फाइनली टाइम था हमारी ट्रेन का आने का, वो आ चुकी थी WDP 4D के साथ। और यात्री बहुत जल्दी में थे पैसेंजर्स कि हमें अपने अपने कोच में बोर्ड करने को मिले। लेकिन मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि जल्दबाजी ना दिखाएं, क्योंकि आपकी तो पहले से ही सीट बुक्ड होती है, तो वैसे भी कोई आपकी सीट पर बैठेगा नहीं, तो भागने का कोई मतलब बनता नहीं है। ट्रेन खड़ी होगी 10 मिनट, तो उसमें आप आराम से बोर्ड कर सकते हैं, भागने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बावजूद मैंने इसके कुछ पैसेंजर्स को भागते हुए देखा। दोस्तों, ये ट्रेन काफ़ी लंबा रूट कवर करती है योगनगरी ऋषिकेश से हावड़ा तक, और ये है DL1 मेरा कोच जो कि लास्ट में था। बिल्कुल आज हम इसी में ट्रैवल करेंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने अपने कोच DL1 में बोर्ड कर लिया जो बिल्कुल लास्ट में है। अब आपको जर्नी का एंजॉय दूंगा, आपको डिजिटली जर्नी कराऊंगा। आपको दिखाता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3 सामने का व्यू। देखिए सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कितनी भीड़ थी, 2, 3, 4, 5 पे सन्नाटा ही सन्नाटा देख सकते हैं। ये हरिद्वार रेलवे स्टेशन का व्यू, 2, 3, 4 पे सन्नाटा ही सन्नाटा है, और 1 पर आपने देखा कितनी भीड़ थी। दोस्तों, फाइनली अपनी बिल्कुल सही समय पर 10:20 पर ट्रेन डिपार्ट हुई हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर से। तो आइए देखिए इसका डिपार्चर। दोस्तों, अभी ट्रेन केवल 10 मिनट ही चली थी और ट्रेन पहुंच चुकी थी अपने पहले हॉल्ट ज्वालापुर रेलवे स्टेशन पर, जिसका स्टेशन कोड है JWP। और ये रेलवे स्टेशन भी बहुत साफ़ सुथरा था, सुविधाओं से लैस था। ये रेलवे स्टेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, अपने 2 मिनट के हॉल्ट के बाद ये ट्रेन डिपार्ट हुई और इस पैसेंजर ने भाग कर इस ट्रेन को बोर्ड किया। और अब टाइम था एक्सेलरेशन का WDP 4D के, और ट्रेन लगभग अपनी स्पीड पकड़ रही थी। दोस्तों, लगभग आधा घंटे का सफ़र और तय करने के बाद हम पहुंच रहे थे अपनी जर्नी का सेकंड हॉल्ट लक्सर जंक्शन। दोस्तों, लक्सर जंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों, ये अपने आप में काफ़ी वाइटल इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है
यहाँ से एक ट्रैक गया है सहारनपुर अम्बाला कैंट जम्मू तवी के लिए, और एक ट्रैक चला गया है ऋषिकेश देहरादून और हरिद्वार के लिए। तो ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है लक्सर जंक्शन। तो हमारी ट्रेन धीरे धीरे दोस्तों लक्सर स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, और लक्सर स्टेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो पकौड़े हैं आलू के और ब्रेड पकौड़े वो बहुत फेमस हैं, काफ़ी यहाँ पर बिकते हैं इस स्टेशन पर। तो मैंने भी सोचा कि ट्राई करूँगा अगर मिलेंगे तो स्टॉल सामने ही था, तो मैंने सोचा कि आइए इसको ट्राई करते हैं यहाँ की गर्म गर्म चाय और गर्म गर्म पकौड़ों को। तो मैंने लक्सर स्टेशन पर पहुँचते ही सबसे पहले गर्म गर्म चाय और पकौड़ों का आनंद लिया। दोस्तों अभी मैं अपने पकौड़े और चाय ख़त्म भी नहीं कर पाया था और ट्रेन डिपार्ट भी लक्सर जंक्शन से। तो आइए देखिए लक्सर जंक्शन का डिपार्चर। दोस्तों अब पूरी जर्नी के दौरान अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है तो वो लगता है किसी भी रेलवे स्टेशन का डिपार्चर, जब ट्रेन वहाँ से डिपार्ट होती है तो वो दृश्य मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं आपको हर ब्लॉग में हर स्टेशन का डिपार्चर जरूर दिखाता हूँ, और डिपार्चर मेरे लिए जर्नी का सबसे 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 औसम पार्ट लगता है किसी भी रेलवे स्टेशन का डिपार्चर। दोस्तों आफ्टर 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे की जर्नी करने के बाद हम पहुंच रहे थे अपनी जर्नी का थर्ड हॉल्ट नजीबाबाद जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है NJB। ये भी इस रूट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। यहाँ हम पहुंचे थे ऑलमोस्ट राइट टाइम, लेकिन यहाँ हम डिले हो गए, क्योंकि डिले होने का जो मुख्य कारण था वो था हमें यहाँ पर ओवरटेक किया था जम्मू तभी वाराणसी बेगमपुरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ने। तो यहाँ हम काफ़ी देर खड़े रहे ओवरटेक के कारण। दोस्तों कोच बिल्कुल खाली था, बिल्कुल भी भीड़ थी नहीं, आप देख सकते हैं। और नजीबाबाद पर भी अच्छी खासी चहल पहल थी। तो दोस्तों अब समय था ओवरटेक का बेगमपुरा सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जो कि जिसने हमें ओवरटेक किया। तो आइए देखिए ओवरटेक। ओवरटेक के 5 मिनट बाद हम डिपार्ट हुए नजीबाबाद जंक्शन से, और अब मैंने जैसे पहले ही बताया कि मुझे किसी भी रेलवे स्टेशन का डिपार्चर बहुत पसंद है, तो मैंने डिपार्चर कैद किया अपने कैमरे में नजीबाबाद रेलवे स्टेशन का। तो देखिए नजीबाबाद रेलवे स्टेशन का डिपार्चर।
दोस्तों, नजीब आबाद से डिपार्चर के बाद टाइम काफ़ी हो चुका था, काफ़ी टाइम हो चुका था, तो अब समय था एक शॉर्ट नैप लेने का, यानी थोड़ी बहुत नींद लेने का। तो मैंने थोड़ी बहुत नींद लेने की सोची। 2 hours later नींद के बाद जब मेरी आँख खुली तो हम पहुँच चुके थे मुरादाबाद जंक्शन और हमारी ट्रेन मुरादाबाद जंक्शन से डिपार्ट कर रही थी। अभी तक तो जर्नी एक्सपीरियंस बढ़िया था, शानदार था, ज़बरदस्त था। ट्रेन बिल्कुल भी कहीं भी ज़्यादा देर खड़ी नहीं हुई और लगातार चलती ही रही। दोस्तों, मुरादाबाद जंक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा मंडल है, ये आपको पता ही होगा, और यहाँ पर ऑलमोस्ट 7 platforms हैं। आप यहां से काशीपुर, रामनगर, लालकुआं, काठगोदाम के लिए भी ट्रेन पकड़ सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है मुरादाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है? मुरादाबाद फेमस है पीतल की इंडस्ट्री के लिए, इसलिए इसको पीतल नगरी भी कहा जाता है। दोस्तों, अब समय था मुरादाबाद रेलवे स्टेशन को बाय बाय कहने का। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच रहे थे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन बरेली जंक्शन। धीरे धीरे हमारी ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 1 की ओर जा रही थी। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके थे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन बरेली जंक्शन, और हमेशा की तरह यहाँ के वेंडर्स जल्दीबाजी में लगे हुए थे कि हम कोच में चढ़ें और अपनी चाय बेचें। फ़िलहाल कैसी लगी आपको ये जर्नी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। बहुत जल्द मिलूँगा आपसे एक और एक्सक्लूसिव जर्नी के साथ। आपको बोले जाता हूँ गुड बाय इस सुबह की गरम गरम चाय के साथ। गुड बाय।